Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गांधार देश के राजा के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गांधारी और सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी था। ज्योतिषियों के अनुसार गांधारी की जन्म कुंडली में प्रथम पति की मृत्यु का योग था। इस दुर्घटना को टालने के लिए उन्होंने एक सुझाव दिया, गांधारी की शादी एक बकरे से कर दी जाए, बाद में इस बकरे को मार दिया जाए, इससे कुंडली की बात भी सिद्ध हो जाएगी और बाद में गांधारी की दूसरी शादी कर दी जाए। ऐसा ही हुआ। जब गांधारी की शादी के लिए धृतराष्ट्र का रिश्ता आया तो शकुनी को यह जरा भी पसंद नहीं आया। उसका यह मत था कि धृतराष्ट्र जन्मांध है और उनका सारा राजपाट तो उनके भाई पांडु ही देखते हैं। शकुनी ने अपना मत दिया, पर होनी को कौन टाल सकता था। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ और वो हस्तिनापुर आ गई। किस्मत का खेल न जाने कहां से धृतराष्ट्र और पांडु को यह पता चल गया। उन्हें बड़ा क्रोध आया और यह बात उनसे छुपाई क्यों गई। गांधारी एक तरह से तो विधवा ही थी। इस बात से चढ़कर उन्होंने गांधारी के पिता सहित 100 भाइयों को पकड़कर जेल में डाल दिया। चूंकि धर्म के अनुसार युद्धबंदियों को जान से नहीं मारा जा सकता था, अतः धृतराष्ट्र और पांडु ने गांधारी के परिवार को भूखा रखकर मारने की सोची। इसलिए वो गांधारी के बंदी परिवार को हर रोज केवल एक मुट्ठी अनाज दिया करते थे। गांधारी के भाई पिता समझ गए कि यह उन्हें तिल तिल कर मारने की योजना है। उन्होंने निर्णय लिया कि एक मुट्ठी अनाज से तो किसी का क्या जीवन बचेगा, अतः क्यों ना एक मुट्ठी अनाज सबसे छोटे लड़के शकुनी को खिला दिया जाए, कम से कम एक की जान तो बचेगी। शकुनी के पिता ने मरने से पहले उससे कहा, मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना, ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे, तुमको जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों पिता को मरते देखा था। उसके मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरी बदले की भावना थी। बोलने और व्यवहार में चतुर शकुनी अपनी चालाकी से बाद में जेल से छूट गया और दुर्योधन का प्रिय मामा बन गया। आगे चलकर इन्हीं पासों का प्रयोग करके शकुनी ने अपने 100 भाइयों की मौत का बदला दुर्योधन और उसके 100 भाइयों के विनाश की बृहद योजना बनाकर लिया। इस कहानी का वर्णन वेद व्यास कृत महाभारत में नहीं है। यह कहानी बहुत से लोक कथाओं जनश्रुतियों में आती है। प्रसिद्ध लेखक देवदत्त पटनायक ने अपनी पुस्तक जया में इसका वर्णन किया है। बहुत से विद्वानों का मत है कि शकुनी के पासे हाथी दांत के बने हुए थे, लेकिन शकुनी माया जाल और सम्मोहन में महारथी था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उनके निर्णय पांडवों के पक्ष में होते थे, लेकिन शकुनी की ब्रह्म विद्या से उन्हें यह लगता कि वो हार गए हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.